गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्यों ना हम इस बार नवरात्रि के शुभ अवसर पर माँ दुर्गा के लिए एक सुंदर सी बांधनवाड़ बनाएं और उसके अंदर इतने रंग भर दें हमारे प्यार के। उसमें गोटा भी लगा देंगे, उसके अंदर किरण भी लगा देंगे। बहुत सुंदर हम भगवान माँ दुर्गा के लिए एक बांधनवाड़ बनाएंगे। तो इस बांधनवाड़ के लिए हमें इसकी लेंथ लेनी होगी 36 इंच और इसकी विड्थ लेनी होगी 5 इंचेस। तो बच्चों, मैंने एक ये ग्रीन कलर का पेपर लिया है जिसकी लेंथ है 36 इंच और इसकी वेथ है 5 इंच। अब इसके अंदर हमें सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाने हैं और भगवान के लिए, माँ दुर्गा के लिए हमें घट की स्थापना भी करनी है। तो मैंने ऐसे पेपर लिया स्क्वायर और इसका ये शेप काट लिया। सिंपल है, हमने एक पेपर लिया, उसको स्क्वायर पेपर लिया, उसको फोल्ड किया और यहाँ से इसमें वी शेप बनाकर तो हमारा ये वाला शेप आ जाएगा। अब इस शेप के लिए हमें इस तरह से हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में हमें इसके अंदर घट स्थापना करने के लिए एक सुंदर सा कलश भी बनाना पड़ेगा। तो कलश बनाना भी बहुत सिंपल है। इसको हमने स्क्वायर पेपर को फोल्ड किया, यहाँ पर एक सर्किल बनाया और यहाँ पर ऐसे शेप करके और ये हमने घट स्थापना के लिए एक सुंदर सा कलश बना दिया। जब हम इसकी कटिंग कर देंगे तो ये यहाँ पर कटिंग करके इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। और माँ दुर्गा के लिए मैंने सुंदर सुंदर किरण भी लगाने का इंतजाम कर रखा है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये हम इसको ऐसे पेस्ट कर देंगे किरण को, एक बार ऊपर की तरफ और एक बार नीचे की तरफ, ठीक है। और ये मैंने एक छोटा सा पतला वाला गोटा लिया है। इस गोटे को हम यहाँ पर और यहाँ पर चारों तरफ पेस्ट कर देंगे। और भी इसके अंदर सुंदर बनाने के लिए इसके अंदर स्टार लगा देंगे बीच बीच में और मिरर वर्क भी लगा सकते हैं। तो माँ दुर्गा के लिए हमें एक सुंदर सी बांधनवाड़ बनानी है। मैया तुम कहाँ बैठी हो इन पहाड़ों में। और हमारी एक ही सुंदर सी बांधनवाड़ तैयार हो जाती है, ये देखिए। तो नवरात्रि के शुभ अवसर पर सब बच्चे अपने घर में सुंदर बांधनवाड़ बनाइए और माँ दुर्गा को बुलाने का, घर में बैठाने का आह्वान करिए। थैंक यू सो मच।